गुड मॉर्निंग 11th क्लास, मैं राजबला सैनी। आज फिज़िकल एजुकेशन की क्लास है, चैप्टर सेकेंड। हमारा टॉपिक है 2.3 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटीज़। कमेटी क्या होती है, ठीक है? अब ये इंटरनेशनल के बारे में पूछे तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है क्या? सबसे पहले हम ये जानते हैं है क्या। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड में है। इसका गठन 23 जून 1894 में पेरन बी कोबर्टिन ने किया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति प्रत्येक 4 वर्ष के उपरांत ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किया प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो 1896 में हुए थे, कहाँ हुए थे? एथेंस शहर में हुए थे। एथेंस शहर में आयोजित किए गए थे। कौन से थे? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो हुए थे वो 1896 में हुए थे। अब इसी तरह से शीतकालीन ओलंपिक खेल हुए थे 1924 को, जो प्रथम हुए थे 1924 को हुए थे। कहाँ थे? फ्रांस में आयोजित हुए थे, ठीक है। इसी तरह से 1992 में ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन ओलंपिक खेल ठीक उसी वर्ष आयोजित किए जाते थे। उस वर्ष के बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने शीतकालीन ओलंपिक खेलों को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के बीच सम वर्ष में आयोजित करने का फैसला किया, ठीक है। अब ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, आप सभी जानते हो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, तो इसके अंदर क्या क्या होंगे, इसको किसने बनाया होगा, कैसे बनाया होगा, इसके अंदर कौन कौन से मेंबर होते होंगे, क्या क्या डिसाइड करते होंगे, उनके फंक्शन क्या होते होंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, इसमें मेंबर होते हैं। आप मेंबर ऑफ द कमेटी, मेंबर, अब आपको ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कोई भी संस्था या किसी भी संस्था को चलाने के लिए उसके अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो कैसे कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या वर्क करते हैं, ये एक हम अपने स्कूल के थ्रू समझते हैं। अब देखो, सबसे पहले होते हैं प्रिंसिपल सर, ठीक है, एक संस्था के अंदर सबसे पहले कौन होगा? प्रिंसिपल। फिर उसके बाद वाइस प्रिंसिपल आते हैं, फिर उसके बाद टीचर्स आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कर्मचारी आते हैं जो वहाँ की साफ़ सफाई पूरा देख रेख करते हैं। तो ऐसे पूरी एक संस्था चलती है, ठीक है। इसी तरह से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंदर भी ऐसे ही होता है। तो इसमें मेंबर ऑफ़ द कमेटी, अब मैं आपको समझाती हूँ, सबसे पहले होता है प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, ठीक है, ये कार्यकारी बोर्ड होता है। अब मैं आपको बता दी, प्रेसिडेंट जो होता है वो 8 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है, मतलब 8 वर्ष के लिए वो रिज़र्व हो जाता है कि वो 8 वर्ष तक अपना कार्य करेगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट, अब कमेटी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है तो ऑब्वियसली इसमें जो वाइस प्रेसिडेंट्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इसमें 4 होते हैं, 4 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और वो अपना कार्य फिर वो 4 वर्ष के लिए होते हैं। निर्वाचित किए जाते हैं ये 4 वर्ष के लिए किए जाते हैं, ठीक है। ये अपना कार्य अपने अकॉर्डिंग, जो कार्य इनका होता है वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। फिर आता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में इस पूरे जो से प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो कार्य करने वाले जो 10 अन्य सदस्य होते हैं वो इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, वही इस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्यकाल बोर्ड तथा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की व्यवस्था तथा इसके कार्यों के प्रबंध के लिए सामान्य रूप से पूर्ण जिम्मेदार मानी जाती है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब आएगा मेन फंक्शन ऑफ बोर्ड।
मेन फंक्शन ऑफ IOC. IOC का मतलब आप समझ गए होंगे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. इसका मेन काम है क्या? ठीक है, तो इस समिति के द्वारा ओलंपिक खेलों के आयोजन स्थल निर्णय किए जाते हैं. आप समझ जाते हैं इनका फंक्शन, इनका कार्य होगा क्या. इनके कार्य ये हैं कि ये डिसाइड करते हैं कि कब ओलंपिक गेम कराए जाएंगे, कहाँ कराए जाएंगे, जगह निश्चित करी जाती है, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, किस जगह होंगे. ये सारी चीज़ें इनके मेन फंक्शन होते हैं, जो मेन कार्य होता है. कोई भी अगर रूल रेगुलेशन अगर कुछ चेंज होने हैं तो यही कमेटी इस सब चीज़ की चेंज करती है. क्या चीज़ ऐड करनी है, क्या चीज़ बाहर करनी है, ये सारी चीज़ें इस कमेटी के अंदर आती हैं. ठीक है, ये सभी हैं. अब एक दो टॉपिक और मैं आपको बता देती हूँ. यह ओलंपिक खेल के नियमित समारोह या मनाने को भी सुनिश्चित करती है. मतलब किस दिन होंगे, कहाँ होंगे, इसमें समारोह कैसे मनाया जाएगा, एक दिन पहले होगा, एक दिन एक महीने पहले तैयारी होगी, कैसे होगी, ये सब चीज़ इसमें डिसाइड की जाती है. जैसे अब हम जानते हैं कि स्त्रियों के लिए यह सभी स्तर पर खेलों में स्त्रियों को आगे बढ़ाने में तथा उनकी सहायता तथा प्रोत्साहित भी देती है. यह खेलों में डोपिंग के विरुद्ध प्रतिरोध करने में अग्रसर रहती है. आप सभी जानते हो कि जब ओलंपिक गेम होते हैं तो कुछ होते हैं जो ड्रग्स वगैरह ले लेते हैं, जिसकी वजह से खेल में वो जीत तो जाते हैं, बट बाद में जब उनकी चेकिंग होती है, ब्लड ये डोपिंग वगैरह अगर लेते हैं तो बाद में उनसे मेडल छीन लिया जाता है. ये इसी में होता है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 2.4, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. आप सभी जानते हैं ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है तो ऑब्वियसली इंडिया के अंदर ही है. वो कहाँ थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, मतलब वो इंडिया से बाहर की थी. ठीक है, अब आएगी इंडिया के अंदर ओलंपिक एसोसिएशन, मतलब ओलंपिक में भेजने के लिए प्लेयर्स को तैयार करने के लिए, अच्छे प्लेयर्स को बाहर निकालने के लिए, ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसको अपना कार्य करती है. प्लेयर्स को आगे बढ़ाने के लिए, प्लेयर्स को छाटने के लिए, प्लेयर्स को, तो ये इस तरह से होते हैं. अब भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1927 में. देख सर दोराबजी टाटा, ठीक है, सर दोराबजी जो टाटा थे ये है प्रथम प्रधान महासचिव बने. ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में भी सहबद्ध रहे. सर दोराबजी टाटा भारत में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम सदस्य भी निर्वाचित हुए. ठीक है, इंडिया में तो ये हुए और ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम सदस्य भी बने. ठीक है, और सन 1928 में सर दोराबजी टाटा ने भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के प्रधान पद से भी त्यागपत्र दे दिया. ठीक है, अब हम आते हैं इसके ऑब्जेक्ट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति तथा भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के नियमों तथा विनियमों को लागू करना. ठीक है, इसमें ही लागू होता है. जो ओलंपिक गेम में जो नियम लागू हो रहे हैं वो अपने इंडिया में भी वो चेंज कराते हैं, लागू कराते हैं. कौन से लागू हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं, क्या किस में चेंज करना है, किस में नहीं करना है. ये पूर्ण रूप से सरकारी संगठन होना तथा ओलंपिक से संबंधित सभी विषयों के बारे में सारा नियंत्रण रखती है. कौन रखती है? ओलंपिक एसोसिएशन.